हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो 1 तारीख से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। ये जो नया साल है ना, बस टेंशन टेंशन लेकर आया है और बहुत ज़्यादा टेंशन है। घर में क्या है ये बाद में बताएंगे, सबसे पहले दिखाएंगे कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। ये देखिए, इनको लगी है ठंड और ये खा रहे हैं। ये क्या खा रहे हैं आप? उबला हुआ अंडा। उबला हुआ अंडा। हाँ, तो क्या क्या हुआ टेंशन वो बाद में बताएंगे, पहले पियेंगे चाय। चाय पीने के बाद फिर बताएंगे कि क्या हुआ। बस चाय पियेंगे, अंडा नहीं खाएंगे। अंडा आप खाएंगे, हम लोग चाय पियेंगे, है ना? ये अंडा खाएंगे और जिया खाएगी डंडा ना। जिया ये डंडा खाएगी। हाँ, शर्म नहीं आ रहा है इनको। अकेले अकेले खा रहे हैं अंडा। चलिए मिलते हैं। फाइनली अंदर का खिला रहे हैं पापा। मिलते हैं चाय पीने के बाद। इनकी है तबीयत खराब। अब हम कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं खाना वाना नहीं बनाएंगे। अब ये चुपचाप इनका सर दबाते रहेंगे। हाँ, तो हम 1 तारीख से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया, और सही पूछिए तो कुछ मन भी नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। रीज़न ये था कि 1 तारीख को ही बाजी एडमिट हो गई थी, उनके पेट में दर्द हो रहा था। बाजी यानी कि मेरी ननद, तो उनके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। जी आवाज़ कम करो, रिमोट तुम्हारे पास है। तो उनके पेट में काफ़ी दर्द हो गया था, तो दोपहर से ही वो एडमिट हो गई थी। तो पहले एक हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो फिर वहाँ पे इंजेक्शन लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जब गए, बड़े हॉस्पिटल में, तब जाके उनको रात तक मेरे ख्याल से आराम मिला था। तो इसीलिए 1 तारीख से लेके अभी तक, आज है 4 तारीख है आज, तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बाजी अभी ठीक हैं लेकिन अभी हॉस्पिटल में ही हैं। और ये जब से बनारस से आए हैं तब से इनको ठंड लगी है, लेकिन ऑफिस जा रहे हैं, रोज बोल रहे हैं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो तुम लोग खाओगी क्या। ऑफिस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर ऐसे ही पड़ जाते हैं। तो बस अब यही चल रहा है, तो बस इसीलिए ना ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। बाजी की भी थोड़ी सी चिंता हो रही थी, और उनको एकदम मेरे जैसा ना सेम प्रॉब्लम है उनको, उनको भी स्टोन निकला है, और जैसा जैसा मेरा सिचुएशन था सेम टू सेम उनका वैसे ही है। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि जल्दी से बाजी ठीक हो जाएं। और अब तो यही रास्ता है कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, उनका ऑपरेशन तो बस अच्छे से हो जाए। और जब से उनका सुने हैं ना, तब से मेरे हस्बैंड का और भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि अभी तक मेरे ऑपरेशन का अभी जख्म ताज़ा था, तब तक बाजी का। तो वही सब सोच सोच के इनका और भी टेंशन थोड़ा सा बढ़ता चला गया। तो मैं सोची कि अपना ब्लॉग आज स्टार्ट कर दूँ। क्या करें, औरतों को तो ये सब करना ही पड़ता है। एक तो ये बच्चा, दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो कोई टेंशन नहीं होता है, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा आजा माजी सटकली वही वाला हाल है। बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। और कल से मेरे भी कान में दर्द हो रही थी, और कान से ब्लड आने लगा था, तो भी कान का निकाल के रखे हैं, दवा ला के दिए थे, तो फिर मुझे आराम हो गया है, अभी आराम है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश हो ही रही है। हाँ, इनको खांसी भी है, सबको पता चल गया कि आपको खांसी भी है। और क्या क्या है, हैं? तो इनको खांसी भी है, खांस के बता रहे हैं कि खांसी भी है। तो चलिए, ठंड बहुत है, अपना सब लोग ख्याल रखिए, पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। और क्या, हम लोगों के लिए तो नया साल बहुत टेंशन लेकर आया, कोई नया साल का खुशी नहीं है। अभी तो स्टार्ट ये है और आगे पता नहीं क्या होगा ना। 1 तारीख से ही टेंशन
स्टार्ट है पूरा साल, पूरा साल अब ये ऐसे ही बीमार पड़े रहेंगे हैं नए साल में ऐसा। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा इनका सर दबा दें, नहीं कहेंगे सर दबाने के लिए लेटे और अपने बैठ गई बात करने के लिए हैं, मन मन हमको गाली देंगे देंगे हैं कह भी रहे हैं कि हाँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग गए हैं मोमोज खाने के लिए और मैंने मंगाया है मूंगफली, क्योंकि इस बार ठंड में एक बार भी मूंगफली घर में नहीं आई है और मुझे मूंगफली खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं बोली हूँ कि मूंगफली लेकर आइएगा, मूंगफली खाएंगे। तो अगर मेरे पे मेहरबानी हुआ तो हो सकता है मोमोज भी आ जाए, वैसे मैं ज़्यादा मोमोज नहीं खाती हूँ। तो देखिए क्या लाते हैं वो लोग और फिर बैठ के खाएंगे मूंगफली, और मूंगफली खाएंगे इसी ब्लैंकेट में, तो मज़ा आएगा मूंगफली खाने में। और मैंने ना ये नया जग निकाला है, क्योंकि जो पहले निकाले थे वो उसमें पानी ना ठंडा हो जा रहा था, तो हस्बैंड परेशान हो रहे थे, बोले इसमें तो पानी ठंडा हो जा रहा है, तो फिर मैं नया निकाल दी और पहले का ही नया रखा हुआ था, बस निकाले हैं। और ये मैंने जो उस दिन ब्लैंकेट सिला था, ये देखिए इस वाले में, ये साइड से दिखाती हूँ, ये देखिए ये आपको वाइट धागा दिख रहा है ना, ये सब पूरे में है, ये देखिए ये पूरे ना चारों तरफ से मैंने सिल दिए हैं, और मेरा वाला भी ब्लैंकेट सिला गया है, तो अभी थोड़ी सी राहत रहती है ब्लैंकेट में, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अभी खाने का कुछ प्लानिंग नहीं है कि खाना क्या बनेगा, क्योंकि हस्बैंड कुछ खा नहीं रहे हैं ज़्यादा, सुबह नाश्ता भी नहीं किए, दोपहर में जो खाए थे फिर उनको वॉमिटिंग हो गई, तो अब रात में पता नहीं खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है और क्या बनाऊं, क्योंकि जब हस्बैंड की तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर मन भी नहीं करता है कुछ भी बनाने का। तो आ गया है मूंगफली और मोमोज हम लोग खा चुके हैं, सर सबसे ज़्यादा जिया खाई है, हम लोग तो एक ही दो खाए थे, जिया खूब सारा खाई है ना, जिया जिया सिर्फ पाँच तो खाई है, पाँच तो मिलता ही है एक प्लेट में ना पापा। और हम लोग खा रहे हैं मूंगफली, ठंडी में सबसे अच्छा टाइम पास, जैसे ट्रेन में चला था ना टाइम पास, तो हम लोग भी टाइम पास कर रहे हैं। चलिए फिर टाइम पास करके तब मिलते हैं। जीसू को देखिए, ये देखिए, हाय हेलो।